मध्य प्रदेश सरकार विकास के तमाम दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। राज्य की सड़कों की तुलना अमेरिका की सड़कों से करने वाले सीएम के दावे तब धर के धरे रह गए जब बदहाली की कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें रायसेन से निकलकर सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। सरकार विकास का दावा करती है, सड़कें बिजली पानी जैसे तमाम बुनियादी सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की बात करती है, लेकिन सिर्फ बात ही करती है, वास्तविकता तो कुछ और ही है। मामा शिवराज भले ही चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बहुत विकास किया है, लेकिन क्या सच में विकास हुआ है? क्योंकि तस्वीरें तो कुछ और बयां करती हैं। आप ज्यादा सोचिए नहीं साहब, हम आपको खुद दिखाते हैं कि मामा शिवराज ने 15 सालों में कितना विकास किया। इस पुल को देखकर तो आप समझ गए होंगे कि कितना विकास हुआ है। जिले में चार चार मंत्री होने के बावजूद आज तक एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। हिनोतिया घाट पर नदी के दोनों तरफ पेड़ पर बिजली के पोल रखकर एक जुगाड़ पुल बनाया गया है। अब जरा आप सीएम साहब का वो बयान याद कीजिए जिसमें सीएम साहब छाती ठोक कर कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में सड़कें अमेरिका से भी अच्छी हैं। अरे सीएम साहब, आप अमेरिका छोड़िए, बस आप नदी पर एक पुल बनवा दीजिए जिससे ग्रामीण परेशान ना हो। मजबूरी में निकालते हैं। कितनी ऊंचाई होगी लगभग ये? 40-45 फीट की ऊंचाई है। तो आपने कैसे रखे हैं ये दोनों खम्भों को? अब रख दिए थे, पहले पानी नहीं गिरा था जब भी। अच्छा। और हर साल दिक्कत आती थी इसलिए रख दिए। इस पेड़ से उस पेड़ तक खम्भे? हाँ, इस पेड़ से उस पेड़ तक रखे। तो स्कूल के बच्चे भी यहीं से निकलते होंगे? हाँ, यहीं से निकलते हैं। लगभग कितने गांव के लोग यहाँ से जाते हैं? सत्ती है, बासिया, हिनोतिया और तहसीलंग मेला। ग्रामीणों ने कई बार जनप्रतिनिधि और प्रशासन से इस बात की शिकायत की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। आखिरकार थक हार कर ग्रामीण खुद इंजीनियर बन गए और पुल का निर्माण कर डाला। देश का भविष्य कहे जाने वाले बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हैं, स्कूल जाते हैं। आप खुद सुनिए इन बच्चों की और खुद हकीकत जान जाएंगे। हम सैमरा पढ़ने जाते हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी नदी, आने जाने में बहुत डर लगता है और बहुत गहरी है और चढ़ जाती है तो बहुत डर लगता है। हमारे मम्मी पापा को जब तक हम घर ना पहुँचे बहुत डर लगता है कि बच्चे सही सलामत आ जाए, और यहाँ पे बहुत रिसकना हो जाता है और मिट्टी भी हो जाती है पुल पर, इसलिए हम आसपास निकल नहीं पाते। डर तो लगता है, क्या करें, पढ़ाई करना पड़ता और रोज जाना पड़ता, नदी चढ़ जाती है, नहीं जाती। सरकार विकास के लाख दावे करे लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और दिखाती है। सरकार के लाखों दावे खोखले नजर आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक प्रशासन ग्रामीणों की सुध लेता है या फिर ये भी मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आदर्श परासर, रायसेन, जनतंत्र टीवी।